प्यारे विद्यार्थियों, आज असी सांझ कहानी पढ़ांगे जो कि सुजान सिंह जी दी लिखी हुई है। इस कहानी विच कहानीकार ने एक प्रोफेसर अते एक साइकल सवार पेंडू नौजवान दे विचकार हमदर्दी दी भावना दी जिहड़ी सांझ है उसनों प्रगटाया है। और इस कहानी दा सार इस तरह है कि प्रोफेसर एम एल मल्होत्रा जो कि साइकल दे पैडल ते पैर रख के इस तरह साइकल ते चढ़िया जिमें कि उसने ये नवा नवा चलाना सीख्या होवे। कालजों निकलदिया ही वह सोचा में गुम गया सी। सड़क टुटी पई सी अते जोर लगन नाल उसकी सोच खिंड गई ते वह काठी ते बह गया। काठी मतलब साइकल दे बैठन वाली गद्दी। टुटी भजी सड़क ते साइकल डोलन की तुलना वह अपनी मुढ़ली जिंदगी दे नाल करन लगा। वह इतिहासिक गुरद्वारे के गेट अगों लंघिया जिथे सवारियां जिहड़ियां बस का इंतजार कर रही सन। जेठ महीने की पहली दोपहर बीत जाने के उपरंत भी अज पूरी गर्मी सी। प्रोफेसर नू पसीना आ गया। फरलांग कु दी ढलान होने कारण उसने पैडल मारने बंद कर दिते अते फिर अचानक पैडल मार के साइकिल तेज़ कर लिया। हवा दे लगन नाल उसनू बचपन विच पढ़ी एक अंग्रेजी दी कविता साइकिल ते पहाड़ी उत्तों थले उतरदिया याद आ गई, जिस दे अंत ते इह लिखिया होया सी कि जिहड़ा व्यक्ति मेहनत दे नाल अते जोर ला के पहाड़ी दी चोटी ते पुज जांदा है उसनू उत्थे उसकी उडीक करदे खंभ मिलदे हन। पर प्रोफेसर सोचन लगा जिवें उस नाल अजिहा नहीं सी होया। रेलवे लाइन पार करदिया उसनू उस कविता दी उस तुक दी सच्चाई दा अहसास होया कि हर पहाड़ी दा जिहड़ा भाव है वह किड्डी उच्ची होवे अंत जरूर होंदा है। धुप नाल सड़क दी लुक पिघली होण करके प्रोफेसर बजरी उपरों लंघन की कोशिश करदा। कणकां सांभियां जाण पिछों बहुतियां वाइयां अणवाइयां पैलियां जिवें अगेतरे मीं दी उडीक विच सन। जेठ दी धुप विच सड़क दे कंडे टालियां दी छां ठंड पा रही सी। अजे तक बस तो इलावा प्रोफेसर दे लाग्यों कोई नहीं सी लंघिया ते अचानक उसनों फिर की होया खड़खड़ दी आवाज़ सुनाई दित्ती। एक किसान नुमा लाल चीरे वाला साइकल सवार तेजी नाल अगे लंघ गया। पहला तो प्रोफेसर ने साइकिल तेज़ करके उस नौजवान नालों अगे निकलण बारे सोचा पर फिर ये ख्याल छड़ दिता। प्रोफेसर साइकिल की काढ़ के महत्व बारे सोचन लगा। उसनों अखबार की खबर में एक भारतीय लीडर की तकरीर का एक वाक याद आया कि जिथे दूजे देशों में सपूतनिका हवाई जहाज़ा जा कटो कट कारा दा युग आ गया है उत्थे भारतीय जड़े हैं अजे साइकिल युग तक ही पहुँचा है। प्रोफेसर सोचन लगा कि कई लोग अजिहे भी हैं जिन्हां कोल साइकिल भी नहीं है। इस तरह भारत तो अजे साइकिल युग विच भी नहीं पहुँचा। फिर साइकिल काल भी भारत की गरीबी का सूचक है। प्रोफेसर नू अपने पहरावे विचों गरीबी चलके उसनों जापया कि सब कुछ उन्होंने भी देख लिया है जिहड़े उसनों अमीर समझ के सलामा करते सन। असल विच प्रोफेसर नू वड्डी उम्र विच ये नौकरी जिहड़ी सी वह मुढ़ली तनखाह ते मिली सी ते उसका परिवार जिहड़ा सी बहुत वड्डा सी। दूजे बन्नों इन्ने नू एक बस धूड़ उड़ाती हुई उसके कोलों लंघी ते उसनों अपने मोहरे एक तीवी तुरी जाती दिसी। प्रोफेसर नू जापया कि उस तीवी ने किसान साइकिल सवार नू कुछ किया सी पर उसने उस वल वेखन मगरों साइकिल अगों लंघा लिया सी। जो प्रोफेसर उस तीवी कोल पुजा तो उसने उसनों अपने नाल ले जाण दी बेनती की पर ओ भी उस वल एक नज़र देख के लंघ गया। अध फरलांग उत्ते जाके उसका साइकिल रुक गया। उसनों लाल चीरे वाला साइकिल सवार पत्थर दिल जापया। उसनों अपना आप भी चंगा न लगा जिहड़ा कि मुहताज की मदद करन दी थां अगे लंघ आया सी। माई नूं पुछण ते उसनों पता लगा कि उसने सहेड़े जाना सी। माई दे गंदे कपड़े देख के प्रोफेसर दा मन पिचक गया। उसने माई नूं कहा कि उसने तां शहर जाना है जो कि इत्थों मसा एक मील है। माई ने प्रोफेसर नूं कहा कि उसनों उत्थे तक ही लै चले। प्रोफेसर ने माई नूं एक बांह दा सहारा दे के कैरियर ते बिठा लिया। माई दा गंदा थैला उसनों हैंडल नाल लटकाउणा पिया। प्रोफेसर ने झट ही पता कर लिया कि उस बुढ़ी दा कोई अंग साग नहीं सी। पिंड विच ही उसकी केवल एक झुग्गी सी। जदों आंढ गुआंढ वाले आपे ही उसनों खाने लई कुछ ना दिंदे तो वह किसी तो मंगण नहीं सी जांदी। संगरांद वाले दिन वह 14-15 मील तुर के गुरद्वारे आई सी। प्रोफेसर माई नूं अपने घर ले जाण बारे सोचण लगा पर अपने वड्डे टब्बर की आर्थिक मंदहाली कारण अजिहा ना कर सकिया। फिर उसने सोचा कि उसनों बस ते बिठा देवे पर आर्थिक मजबूरी के कारण उस अजिहा ना करिया।
उसकी जेब विच मसां 30 पैसे सन जो कि किराए लिए काफ़ी नहीं सन। फिर उसनों याद आया कि उसका बच्चा रस लैके खाने चाहता है, जेकर वह अपने बच्चे की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता तो गल की हुई। फिर वह बुढ़िया की मंगते बनन बारे सोचन लगा। उसने कुछ पैसे लोगों मांग के अते कुछ आपा माग पा के माई नूं टिकट लैके देने की सोची, पर उसनों एक गल अपने स्वयं मान के विरुद्ध लगी। वह माई नूं तुर छड के आने बारे सोचन लगा, पर उसका अपना बुढ़ेपा ते लैक्चर तैयार करन दी समस्या राह विच अड़ गई। शहर पहुँचण उपरंत प्रोफेसर ने माई नूं ना चाहुंदिआं वी साइकल तो उतार दिता। कमेटी का चौंकी का बाबू घिरणा भरी नज़र नाल प्रोफेसर वाल देख रहा सी। बस मोड़ ते खड़ी होकर चल पई, पर प्रोफेसर अपनी नेकी करन दी इच्छा नूं असली रूप ना दे सकिया। उसने साइकल जिहड़ा सी ओह घर वाल मोड़ लिया। अचानक वह लाल चीरे वाला साइकल सवार शहरों वापस आ रहा सी। उसने माई नूं कहा, चल बैठ, मैं तां बागां वाले तक जाणा, तैनू दो पैर गां सहेड़े ही छड आऊं। प्रोफेसर ने माई नूं चुक के लाल चीरे वाले दे साइकल ते बिठा दिता। साइकल सवार ने प्रोफेसर साहेब वाल इस तरह तकिया जिवें उसनों ओपरा समझदा सी, वह उसका कोई नेड़े दा जिवें संबंधी होवे। अखां अखां विच ही उसने प्रोफेसर नाल सांझ पा ली। इस सांझ विच प्रोफेसर नूं इस तरह जापिया जिवें उसने अपना घाटा पूरा कर लिया होवे। इस तरह सांझ कहानी विच सुजान सिंह ने दो व्यक्तियों विचली हमदर्दी की सांझ नूं प्रगटाया है। विद्यार्थियों, हुण असीं कुछ सवाल सांझे करांगे। पहला प्रश्न है, सांझ कहानी दा विषय वस्तु की है? ये कहानी पंजाबी दे प्रसिद्ध कहानीकार सुजान सिंह दी रचना है। पंजाबी कहानी दे संग्रह दे खेतर विच सुजान सिंह दा एक विलक्षण अते महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हां दीआं वधेरे कहानियां अध्यात्मवादी अते आम जीवन नाल संबंधित हन। इन्हां दीआं रचनावां मानववादी प्रेरणा नूं समर्पित हन। इस कहानी का जिहड़ा विषय वस्तु है वह काफ़ी महत्वपूर्ण अते प्रभावशाली है। कहानीकार ने एक प्रोफेसर अते साइकल सवार पेंडू नौजवान विचकार हमदर्दी की भावना की सांझ नूं प्रगटाया है। इस कहानी विच कहानीकार हमदर्दी की भावना नूं बड़े ही सहज सुभाव विच पेश किया है। अगला प्रश्न है, सांझ कहानी का मुख पात्र कौन है अते किस किते नाल संबंधित हन? सो सांझ कहानी का जिहड़ा मुख पात्र है वह एम एल मल्होत्रा है ते वह कॉलेज विच एक प्रोफेसर हन। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर एम एल मल्होत्रा क्यों जे इंसान हैं? उत्तर है, प्रोफेसर एम एल मल्होत्रा पढ़े लिखे इंसान हैं। प्रोफेसर साहब ख्यालों में रहने वाले व्यक्ति हैं। वो हर गल नूं गंभीरता नाल लैंदे हन अते दूसरियां दी मदद करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे लाइन पार करदिआं प्रोफेसर साहब नूं कविता दी किहड़ी सतर विचली सच्चाई दा अहसास होया? सो उत्तर होएगा, रेलवे लाइन पार करदिआं उहनां नूं कविता दी उस सतर विचली सच्चाई दा अहसास हुंदा है कि हर पहाड़ी दा भाव वह किड्डी भी उच्ची होवे अंत जरूर हुंदा है। अगला प्रश्न है, बुढ़ी औरत प्रोफेसर साहब नूं की आखदी है? उत्तर है, बुढ़ी औरत प्रोफेसर साहब नूं साइकिल ते ले जाण लई आखदी है। अगला प्रश्न है, बुढ़ी माई ने प्रोफेसर साहब नूं अपना किहड़ा पिंड दस्या है? उत्तर होएगा, बुढ़ी माई ने प्रोफेसर साहब नूं दस्या कि वह बागां वाले सहेड़े पिंड दी रहण वाली है। अगला प्रश्न है, बुढ़ी माई दी आर्थिक हालत क्यों जी सी? उत्तर होएगा, बुढ़ी माई दी आर्थिक पक्षों हालत बहुत पतली सी। वह एक सिरड़ी सुभाव वाली औरत सी अते वह कदे भी मंग के नहीं खांदी सी। उम्मीद करती हाँ कि तुहानू सांझ कहानी बहुत अच्छे तरीके दे नाल समझ आ गई होएगी। सो सबसक्राइब करना ना भुलना। धन्यवाद।